सारेगामा इंडिया लिमिटेड की नई पेशकश एल्बम ओम। यह एल्बम कविता सेठ द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस एल्बम के जरिए आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। कविता सेठ ने लाइव परफॉर्मेंस के साथ इस एल्बम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गायिका रागेश्वरी लांबा, म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह, गजल सिंगर जसविंदर सिंह सहभागी हुए। ओम ध्यान एल्बम है कि तुम आराम करो और अपने आप में विसर्जित हो। इस एल्बम के जरिए आसपास और आत्मा को शुद्ध करने के लिए 108 ओम के मंत्र के बारे में जानकारी दी गई है। गीता का मंत्र वो भी 108 बार चैंट किया, तो आपको पूरी माला खुद लेकर के बैठने की जरूरत नहीं। जस्ट आप काम के साथ भी सुन सकते हो, ओनली मेडिटेट भी कर सकते हैं और ऐसे भी सुन सकते हैं, हर तरीके से। और ये 24 आवर्स एनी टाइम कभी भी सुन सकते हैं। एंड यू विल लव एंड यू विल फील कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है। You will love it. मुझे लगता है कई बार जैसे हम लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों ऐसी तकलीफ दी, जब ऐसा होता है, लेकिन उस तकलीफ में से जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बुन लेते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बहुत डिस्टर्ब थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और अचानक उसमें से ये ओम एल्बम निकल आई। एंड ड्यू टू हिम आई कैन से कि इट्स हिज ब्लेसिंग्स कि ये एल्बम क्रिएट हो गई। और आज एक्चुअली वो मैसेज सभी लोगों ने दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं मानती हूँ अपने आप को। इंसान एक है, उसके अंदर रूह एक है, सब कुछ, लेकिन बस लोगों ने थोड़ा नज़रिया बदल दिया उसको सोचने का। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, सब उस खुदा के बनाए हुए लोग हैं, तो क्या भेदभाव करना। और सब आए हैं थोड़े टाइम के लिए, सब चले जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, देन कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। जस्ट जब मिलो तो ऐसा मिलो कि बस आज के बाद पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कभी, तो ये सोच होनी चाहिए। और जितना प्यार बांट सकते हो बांटो, दैट्स इट। सुफियाना अंदाज का कहा जाए, जितने भी गायक हैं, जितने भी सॉन्ग हैं, वो शुरू से लेकर अब तक रुके नहीं हैं। जबकि नए बॉलीवुड में लोग आते हैं और बजते हैं और चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें रूह होती है उन गानों में, और जो गाता भी है वो उसका जो फील होता है वो खुद उसको भी नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, वो जो भी कलाम गाता है। तो इसीलिए वो चीज़ें आज तक उनका असर है, और बल्कि जितनी बार आप सुनते हो और उसका असर ज़्यादा गहरा होता जाता है उन चीज़ों का रंग। अमीर खुसरो साहब 800 साल पहले, मौलाना रूमी इतना बड़ा, उस वक्त तो ये सब पीआर मीडिया कुछ नहीं होता था, और क्या लिख के गए लोग आज भी पढ़ते हैं और सिर धुनते हैं, कमाल लिख करके गए। तो मैं कहती हूँ कि चीज़ जितनी सच्ची होगी, जितनी प्योर होगी, वो ऑटोमेटिकली जाएगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। माँ के सारे बच्चे अजीज, उनके दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं दोनों ही चैंट करती हूँ, रोज चैंट करती हूँ, तो दोनों ही बहुत पसंद है मुझे। और साथ में एक उसमें मैंने गीता का सार भी, एक आरजे हैं करण, उन्होंने बोला है, बहुत बेहतरीन बोला है। वो सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, वैराग्य उत्पन्न होता है उससे। मस्ट यू मस्ट लिसन। इस ओम का ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम ये 108 बार इसको चैंट